الحمد لله العلي الذي قدر وقضى وحكم فأمضى ورضي وأرضى والصلاة والسلام على من قيل في شانه ولسوف يعطيك ربك فترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز سبحانه في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه آمين جس جس صاحب ایمان کو جو جو دعا کرتا ہے پیار سے محبت سے بلند آواز کے ساتھ درود پاک نذران پیش کریں السلام علیکم سیدنا رسول اللہ صدر اور میرے مجلس جناب
फखर सादात सैयद सादात आले नबी औलादे अली और गुलाबी सैयद सफदर हुसैन शाह साहब इज्जत और इत्राम के लायक हुजूर वाली मोड़ा और हुजूर सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के चश्मो शराब और निहायती इज्जत और इत्राम के लायक मेरे निहायती प्यारे बुजुर्गों दोस्तों अजीज भाइयों सना खाना ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाए जी वकार अल्लाह रब करीम का करोड़ हा फजल एहसान कि जिस मालिक और राजिक और खालिक कायनात ने हम गुनाहगारों को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर इस मुकद्दस महफिल में हाजिर होने का शर्फ अता फरमाया है। एक कॉमन सेंस की बात आपके साथ शेयर करके फिर मैं अपने मौजू को स्टार्ट करता हूँ। जितना वक्त है इंशाल्लाह उसके अंदर अंदर मैं एक दो बातें आपके साथ करके यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। हमारी अपनी जो माहौल है उसकी बात ये है कि मैं अगर किसी बंदे के साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मेरी चपकलश चल रही हो, मेरी उसके साथ नाराजगी हो, मैं उसे बाहर बाहर हो सकता है सलाम कर रहा हूँ, ये अखलाकी तौर तरीका हो, लेकिन मैं अपने घर के अंदर उस बंदे का दाखला कभी बर्दाश्त नहीं करता। आप भी इसी माहौल के रहने वाले हैं, अगर आपकी किसी बंदे के साथ नाराजगी है, आप उसे अच्छा नहीं समझते हैं, तो आप उसे अपने घर में दाखला नहीं देंगे, अपने घर में आप आने का मौका नहीं देंगे। इसी बात को अपने माहौल से उठाकर खुदा रसूल की बारगाह में ले जाएं, वहां पे जाके देखें और महसूस करें इस बात को कि जैसे हम जिसको नहीं चाहते उसे अपने घर में नहीं बुलाते ना, इसी तरह अल्लाह रसूल भी जिसको नहीं चाहता उसे अपने घर में दाखिले की इजाजत नहीं देता, अपने घर में नहीं आने देता। और अल्लाह अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह ने आपको अपने घर में बुला लिया है तो इस बात को अपनी खुशकिस्मती जाने कि रब ने, रब के हबीब ने आपको पसंद फरमा लिया है। करोड़ों करोड़ों की तादाद में दुनिया मौजूद है, मुसलमान भी मौजूद है, दीगर अकवाम भी मौजूद है। अल्लाह ने इस भरे शहर में से आप चंद अहबाब को मुक्तस कर लिया है कि आप रब के घर में बैठ कर रब के हबीब का जिक्र सुनो, अपनी आखिरत को बेहतर बनाओ। अल्लाह ताला आपको मजीद प्यार से मोहब्बत के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। ये जो यहाँ यहाँ से कहा जाता है ना सुभान अल्लाह कहें, माशाल्लाह कहें, ये हमारे फायदे के लिए होता है, क्योंकि अच्छे बात का ऑर्डर देने वाला, अच्छी बात को कहने वाला जो है उसे भी सवाब मुयस्सर आता है, लेकिन इसमें आपका ज्यादा सवाब है, आपका ज्यादा फायदा है। इसलिए अपने फायदे को समझ कर प्यार से एक दफा सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह ताला आपकी जुबानों को मुबारक करे, रब करीम इस गुलशन को महकता हुआ रखे कि जिस गुलशन में बैठ कर मैं और आप अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र है वो सुन और सुना रहे। परसों जुमातुल मुबारक तैबा सेंटर में एक मौजू स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता वहाँ के अहबाब में से कौन कौन बैठा है, तो ऐसे है कि मैं उस मौजू का एक छोटा सा रिकैप आपके सामने पेश कर देता हूँ, फिर उसी मौजू के हवाले से एक बात है वो मैं आगे चलाऊंगा, ताकि वो एक बात का जो रक्त है वो कायम रहे और पता चले कि बात हो क्या रही है। दरम्यान में से बात करना मेरे ख्याल से पहले नहीं होगा। मैंने वहाँ पे मौजू ये स्टार्ट किया था, मिलाद मुबारक मैं भी मनाता हूँ, आप भी मनाते हैं, कोई थोड़ा खर्च करके मनाता है, कोई ज्यादा खर्च करके मनाता है, कोई चुप करके मनाता है, कोई बोलकर मनाता है, कोई सुनकर मनाता है, कोई सुनाकर मनाता है। मिलाद मैं और आप मनाते हैं, मिलाद है क्या? मेरा ख्याल है बेस ये है, बुनियाद ये है, अगर इसका पता होगा तो जितने सवाल हो रहे हैं ना, हर सवाल का जवाब इस बुनियाद में पोशीदा है। अगर बुनियाद का पता होगा तो हर सवाल का जवाब अल्लाह मैंने पक्का देगा। बुनियाद क्या है? मैंने वहां पे ये अर्ज किया था, मिलाद लफ्ज मिलाद है, द वर्ड ऑफ मिलाद, इसका मतलब क्या है? मिलाद लफ्ज का मतलब होता है, ये अरबी ग्रामर जो है उस हिसाब से, उस हवाले से, ये इसमें ज़र्फ़ का सिग़ा है,
मतलब क्या है इसका? मिलाद का मतलब होता है पैदा होने की जगह या पैदा होने का वक्त, यानी द प्लेस ऑफ बर्थ या द टाइम ऑफ बर्थ, ये इसका सिंपली जो मतलब है वो ये है। आइए अब मिलाद जो मैं और आप मनाते हैं इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एक आम फैन जो मेरे मजदूर तबका भाई हैं उनके लिए मैं अपनी जुबान में इसका तर्जुमा आसान यही करूं कि हर वो जगह, हर वो बाग, हर वो महफिल, हर वो मजलिस, हर वो इकट्ठ, हर वो गैदरिंग बेशक दो बंदों की हो, चार की हो, होती गैदरिंग है, हर वो गैदरिंग जहां पे अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का तज़किरा किया जाए, हर वो महफिल महफिल मिलाद वो बेशक आप अपने घर में बैठकर, अपने बीवी बच्चों में बैठकर हुजूर की विलादत का तज़किरा करें, वो भी महफिल मिलाद। आज मस्जिद में 5,000 बंदा जमा होकर हुजूर की विलादत का तज़किरा करें, वो भी महफिल मिलाद है। ये है मिलाद की बुनियाद कि मिलाद है क्या। इसके बाद फिर आगे जी किसने किया है, कहाँ किया है, क्यों किया है, वो बातें ही बात की है। पहले तो इस बेस पर अगर इकरार हो कि जी हुजूर की विलादत का तज़किरा करना जायज है या ना जायज है, मेरा ख्याल है अगर मैं अपने बेटे की सालगिरह कर लूँ वो जायज है, आप अपने बेटे की सालगिरह कर लें वो जायज है, और हुजूर की विलादत का या तज़किरा कर लिया जाए तो कौन सी क़यामत आ जाती है, कौन सा वहां पे तूफान बाबा हो जाता है। मेरे बेटे की विलादत हो तो वो जायज, मेरे बेटे की विलादत की बातें हो तो जायज, मेरे बेटे की विलादत पर हम मैं खुशी मनाऊं तो वो जायज, आपके बेटे की विलादत पर आप खुशी मनाएं तो जायज। अरे हमारे बेटे तो बेटे रह गए, हमारे बेटे यहाँ के हैं, हो सकता है हमारे मरने के बाद उन्हें पता ही ना हो कि हमारा बाप कौन था, हमारे बेटे हमारी दुनिया है, हम उसका मिलाद मना रहे हैं जिसने हमें कब्र में आकर भी हमारे सवालों को आसान करना है और हमें जवाब देने का हौसला। जो दुनिया में काम आने वाला पता नहीं होगा या नहीं होगा, आप जिस माहौल में हैं आपको बेहतर पता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सब औलादों को अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए, लेकिन यार क्या पता किसने खिदमत करनी है किसने नहीं करनी है। लेकिन अलैहिस्सलाम का मिलाद, हुजूर की विलादत वो चीज है कि जिसने यहाँ पे भी काम आना है मैदान मंजर में। अब इस पर मैंने तज़किरा करते हुए आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के अक़वाल शुरू किए, दो अक़वाल वहां पे मैंने जिक्र किए थे, एक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका, एक हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका। सिर्फ इबारत और उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करो फिर मैं अगली बात की तरफ रवाना होऊंगा। क्या हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं के मान अनफका दिरहम अला किराद मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नत। तर्जुमा समाप्त कर लें यकीनन यहीं पर बात समझ आ जाएगी। अर्ज से इतना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को क्या इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मन, ये मन उमूम आम कोई भी हो, मन अनफका जिसने खर्च किया क्या एक दिरहम, कहां पे खर्च किया, अला विलादत मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सलातो सलाम की विलादत का तज़किरा पढ़ने पर जिसने एक रुपया खर्च किया, वो रुपया आपने लंगर के लिए दिया है तभी कब्र कबूल है, अल्लाह रब्बे करीम के प्यारे हबीब के सनाखानों में खिदमत की है तब भी वो एक रुपया वहीं पे शामिल है, आप घर से आए हैं पेट्रोल लगाकर आए हैं, डीजल लगा कर आए हैं, उस पर जो आपने खर्च किया है वो भी एक रुपया उसी में शामिल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अगर सलाम का यारे गारो मजार क्या इरशाद कर रहा है, फरमा रहे हैं ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे प्यारे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, मैं अबू बकर तुम्हें कह रहा हूँ क्या कि जिसने मेरे हबीब के मिलाद पर एक रुपया खर्च किया ना, एक दिरहम खर्च किया, एक डॉलर खर्च किया, एक पाउंड खर्च किया, मैं अबू
बंदा मेरा यानी अबू बकर का साथी हो, मुझ अबू बकर का साथी होगा कहां पर? जन्नत में, यानी उन्हें अपने जन्नती होने का यकीन था। फिर आपको मुझे कह रहे हैं तुम्हें मैं जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब ये यहाँ पे समझने वाली जो बातें हैं, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं छेड़ता, आगे चलते हैं। दूसरी बात, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने आपने क्या इरशाद फरमाया, फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकत अहया इस्लाम, जिसने आदर सलाम के मीलाद की तज़ीम और तौकीर की, हुज़ूर अलैहि सलाम के मीलाद की तज़ीम की, फकत अहया इस्लाम, गोया कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। आइए अब जो बात आपके सामने शेयर करनी है वो सुने। तीसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बदर व हुनैन, फरमाते हैं कि जिसने हुजूर के मीलाद पर एक दिरहम खर्च किया ना, एक दिरहम, एक रुपया, एक डॉलर, एक पाउंड, कुछ भी, यानी मिनिमम जो आपका वो सिक्का होता है वो खर्च किया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जिसने एक रुपया खर्च किया तो कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बदर व हुनैन, वो ऐसे ही है जैसे कि उसने ग़ज़वा बदर या ग़ज़वा हुनैन में शिरकत की, वहां पे शामिल हुआ है। दूसरी सूरत में दूसरा इसका जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो देखें तो उस्मान गनी क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह ग़ज़वा बदर और हुनैन वाले वो जन्नती है ना, मेरे प्यारे हबीब के मीलाद का तज़किरा करने वालों अल्लाह रब्बे करीम तुम्हें भी जन्नती बना के रखा। आखिरी बस तर्जुमा सुन के मैं बात को क्लोज में कर, 3 मिनट टोटल मेरे टाइम में रह गए हैं। तर्जुमा सुने किस बात का, उज़ूर मौला कायनात मौला कुल कायनात से मेरा अली और मुर्तजा करम अल्लाह वजह अल करीम आपके इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं पार आदि रजी अल्लाह तआला अन्हु करम अल्लाह वजह अल करीम मन अज़्ज़मा मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान सलमन बिक़िरातिही ला यख़रुजु मिन अद-दुनिया इल्ला बिल ईमान व यदख़ुलुल जन्नत बिग़ैर हिसाब। जो बंदा अल्लाह अकबर, जो बंदा मेरे हबीब के मीलाद की तादीम और तौकीर करता है, जो बंदा मेरे हबीब के मीलाद पर खर्च करता है, जो बंदा मेरे हबीब के मीलाद पर एक दिरहम भी खर्च करता है, मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं मैं अली उसे गारंटी दे रहा हूँ कि वो दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ आखिरत में कयामत वाले दिन वो जन्नत में दाखिल होगा बगैर हिसाब किताब के, जन्नत में दाखिल होगा। खत्म करता हूँ मियां साहब वाले से खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेर पर, इस सदा बहार तईस वाले कदे खजाना आवे, जहाँ 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 के आप हाथ दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे आपका प्यार का सिलसिला है, मोहब्बत का लंगर जहाँ से खाते हैं उसके लिए हमेशा ये दुआ किया करें कि सदा बहार तईस इस वाले कदे खजाना आवे, होण फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे, ओमा अलैहि वसल्लम।